अस्सलाम वालेकुम। हम एक बिटकॉइन एक मंथ में माइन करें तो हमारी क्या कॉस्ट आएगी? वो सेटअप कितना बड़ा होगा, या हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, या मंथली बिल क्या आएगा अगर हम एक बिटकॉइन एक मंथ में माइन करें? तो ये आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइम बिटकॉइन है 37,680 का जी। तो ये आप क्रिप्टो कंपेयर पर आ जाएं। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल एक 180 इस तरह से आप चेक कर लें। 17,000 अगर आपके पास मेगा हैशिस हैं तो आप एक बिटकॉइन पर मंथ यानी 1 BTC पर मंथ माइन कर सकते हैं जी। तो अब ये 17,000 मेगा हैशिस हम लोग किस तरह अचीव कर सकते हैं जी? तो ये हम अचीव करेंगे RX 580 8 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, जो कि इथीरियम पर 30.5 MHz स्पीड देता है जी। तो अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। ये आ गई जी सेटअप कॉस्ट। 17,000 MHz हमें चाहिए एक बिटकॉइन माइन करने के लिए, ठीक है जी। और एक RX 580 जो ग्राफिक कार्ड है वो 30.5 MHz आपको स्पीड दे रहे हैं। इसे डिवाइड करें तो 557 ग्राफिक्स कार्ड आपको रिक्वायर्ड होंगे, और 6 ग्राफिक्स कार्ड की एक रिग बनती है। तो जब हम इसे 6 पर डिवाइड करेंगे तो 92.9 रिग्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। आप 93 कह लें, 93 रिग्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। और इस टाइम आज है जी 26 मई 2021, तो पर रिग की जो कॉस्ट हमें मिल रही है RX 580 की, वो 7 लाख अप्रोक्सीमेटली है, जिसमें आप कह लें कि 1 लाख का कार्ड है और 6 लाख ये हो गया, और 1 लाख आप मदरबोर्ड रैम और ये वो इस तरह की चीज़ें लगा लें। और जब इसे मल्टीप्लाई करें तो जी ये अमाउंट है, ये आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए एक बिटकॉइन एक माह में माइन करने के लिए जी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और जी इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 93 रिक्स पर रिक की कंजम्पशन है 800 वाट, तो 74,400 हमें वाट्स चाहिए। इसे डिवाइड करें 1,000 पर तो 74.40 यूनिट्स हमारे पर आवर कंज्यूम होंगे। 24 आवर्स 1785 यूनिट्स कंज्यूम हो गए हमारे पर डे। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 डेज में, क्योंकि एक बिटकॉइन को 30 डेज में माइन करना है ना हमने 1 माह जी। तो हमारे 53,568 यूनिट्स एक माह में कंज्यूम होंगे। इसके अलावा आप अगर रहते हैं कराची वगैरह या पंजाब में रहते हैं तो मोस्टली 20 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट करता है। तो ये जी आपका बिल आ जाएगा मंथली। इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।